नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। वहीं खबर है जनपद कुशीनगर से। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन देकर पट्टा खारिज करने का किया अपील। पूरा मामला जवाहीर नरेंद्र ग्राम पंचायत का है, जहां सरकार हिंदू की रक्षा करने की बात कर रही है, वहीं हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने का एक मामला प्रकाश में आया है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम संतोष मिश्रा है। क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ पट्टा, यहाँ फिर पट्टा है, छोटा स्थान है, वहाँ पर लोग आघात लगाते हैं और वहाँ पर पट्टा कर दिया गया। पानी का निकास यहाँ 3-4 गांव के लोग पानी का निकास है, वहाँ पर पानी भी बाधित हो जाएगी। हमारे यहाँ दूसरा कोई स्थान है नहीं। कौन सा जगह है ये? जवाही मंडला है, ग्राम सभा जवाही नरेंद्र है। तो क्या आप लोगों ने सक्षम अधिकारी को अवगत कराया है? जी हाँ, अवगत कराए हैं हम लोग। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि ठीक है, हम लोग जांच करके इसको खारिज कर देंगे। कैसे पता चला है कि जमीन का पट्टा हुआ? हम लोग एथी करा रहे थे, छठ घाट का एथी निर्माण करा रहे थे, तो वो आकर के कहे कि नहीं, हमारा यहाँ पर पट्टा है। कौन सा नंबर है वो? कौन सा? 363। क्या नाम है वो आपका? वशिष्ठ तिवारी। कौन सा ग्राम सभा निवासी है? जोही नरेंद्र का। किस तहसील में? पहिराज तहसील है हमारा। क्या मामला है? पूरा छठ का मामला है, छठ स्थान का। हुआ क्या है? वहाँ हुआ है, अवैध पट्टा दिया गया है, जिसको जो है ये संपत्ति सामने, मकान सामने है, जिसको अवैध पट्टा दिया गया है और 5,000 के जगह पर 5,00,000 का मांग करके पट्टा दिया गया है। और ये व्यक्ि जबरन 2013 में पट्टा पाया है और आज जब सुना है कि यहाँ छठ घाट बनने जा रहा है, तो इस समय पैमाइश के लिए आदेश कराया है। जब आदेश कराया तब हम लोगों का जानकारी हुआ कि ऐसा ऐसा गलत काम हुआ है। कौन पट्टा दिया है? वो पूर्व प्रधान सिकंदर यादव। आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? जी। क्या आश्वासन मिला साहब को? मैं इसको खारिज कराने के लिए मैं मुकदमा किया हूँ। जिला अधिकारी महोदय, इस पट्टे को खारिज करें। क्या लगता है आपको? मेरा धर्म स्थल है, हिंदू का धर्म स्थल है, ये नारियां, यही नारी माता है, ऐसी के पैरों से सिंहा तक हम लोग पूजते हैं। क्या नाम है चाची आपका? क्या समस्या है आप लोग के? घाट पूजा हमें चाहिए, पहले अगर पट्टा भर हमें जानकारी नहीं थे, पहले अगर जानकारी भर तो चाहिए जगह जमीन। तो अधिकारी लोग से क्या है आपके आग्रह? अधिकारी लोग से ये बात है, खारिज हो जाओ पट्टा का जमीन। क्या नाम है चाची आपके? क्या समस्या बा आपके? समस्या ये बा कि हमी के छठ पूजा हमी के कर ले जा आ हमी के घाट आधा दिवाली जो जा चिपा चिपा ही पता हो गई बा, तो ये बताई सब कि हमी के कहाँ जा जा घाट पूजा कर कहाँ जा जा जब भीतर भीतर पता हो गल, जब हमी के छठ जब हमी के अपन घाट बनवावे खातिर जब हमी के तैयार बनिए जा, तब ई कुकार लागल है जी छठ, तब हमी के मालूम भैल जी हाँ लिखाई बा के पट्टा कटले बा। पट्टा सिकंदर यादव कब के कटल भाई? 13 में। मैं ग्राम प्रधान बबलू दोहा, ग्राम सभा हमारा जो वहीं नरेंद्र है। यहाँ एक समस्या था कि 2013 में और 2018 में पूर्व प्रधान सिकंदर यादव के द्वारा पट्टा कर दिया गया था एक बाबूलाल प्रजापति को, जो कि उनके पास काफ़ी भूमि है, वो भूमिहीन नहीं है, वो पट्टा के पात्र भी नहीं है। और वो जमीन पे काफ़ी दिनों से, बहुत पहले से छठ का मेला लगता है और गांव की महिलाएं सब जाकर वहां छठ का जो अर्घा होता है वो सब देती हैं। जब इस साल का जो छठ था, इस छठ में जब महिला लोग के अर्घा देने के लिए वहां थोड़ा सा सफाई वफाई जब करवा रहे थे, तो पट्टाधारी जो है बाबूलाल प्रजापति, वो आकर कहे कि यहां हमारा पट्टा है। उन्होंने कहा भाई यहां कैसे आपका पट्टा हो गया है? तो पूर्व प्रधान सिकंदर यादव के द्वारा पट्टा हुआ है, हम इसको नापी कराएंगे। बाकी धीरे धीरे इस बात को पूरा ग्रामीण जान गए,
ग्रामीण आकर हमसे लगे कहने कि प्रधान जी ये तो गलत बात है, वहाँ उस जगह के अलावा दूसरा कोई जगह नहीं है कि हम लोग अपना छठ रास्ता का अर्घा दिलवाएंगे, वहाँ उनका पट्टा हो गया है तो कैसे क्या होगा। हम कहें कि आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा, इस बात को जिला अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा, जैसे साहब का निर्णय होगा सम्मान किया जाएगा। तो पट्टा कैंसिलेशन भी दाखिल हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ। बाकी लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि आने वाले कल में वो चैलेंज करते हैं कि मेरा घर यहीं बनेगा। और गाँव के लोग का कहना है कि प्रधान जी, अभी जो वर्तमान प्रधान मैं हूँ, गाँव के लोग का कहना है कि प्रधान जी उनसे समझाइए, उनसे कहिए कि वो पट्टा की ज़मीन को छोड़ दें, दूसरे जगह आप पट्टा दे दिए जहाँ मतलब हाँ फली हो, यहाँ जो है कि अर्घा दिलाने के लिए यही एक स्थान है, यही एक जगह है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि मैं जो पट्टा उनको मिला है अगर नहीं मानते हैं तो मैं दूसरे जगह उनको देने को तैयार हूँ, और यह गाँव के लोग भी कह रहे हैं और यह जगह छठ माँ के दे दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना।